कुछ दुर्लभ साधना दे रहा हूं जो कायाकल्प साधना है। यदि हम रोग से ग्रस्त हैं, यदि बीमार हैं, यदि विविध प्रकार के रोग हैं, या हम वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, या कोई भी बुढ़ापा किसी को भी आ गया है, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसका बुढ़ापा दूर करके पूर्ण रूप से नौजवान बना देने की क्रिया या कायाकल्प कर देने की क्रिया या समस्त रोगों से छुटकारा पाने की क्रिया इस कायाकल्प साधना के माध्यम से संभव है। इसके लिए 11 कायाकल्प यंत्र सामने होने आवश्यक हैं और कायाकल्प माला के माध्यम से ही यह साधना संपन्न की जाती है। और एक तेल का दीपक सामने प्रज्वलित कर दे और पीले आसन पर खड़े खड़े इस माला को मंत्र जप करें। यह 11 दिन की साधना है और खड़े खड़े नित्य 108 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है। इसका मंत्र है ओम हुम 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 हैं 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 रोम 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 हुम 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 फट। चाहे आपको मंत्र अटपटा सा लगे, इस मंत्र का चमत्कार अपने आप में अद्वितीय होता है और समस्त रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। मगर इस मंत्र जाप या साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। यदि दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तिब्बती साधना में गुरु का और गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का अत्यंत महत्व है। उसके बिना साधना में सिद्धि और सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह मंत्र यदि आप पानी की गिलास भर करके उसके ऊपर केवल 11 बार इस मंत्र को बोल करके उस पानी को यदि हम किसी को पिला देते हैं तब भी वह धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। ये रोज स्नान करते समय 11 माला या 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फिर स्नान करें तो अपने आप में शरीर में कांति, चेतना, एक दिव्यता, एक सौंदर्य आने लग जाता है। और यदि कोई एक वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति पूर्ण यौवनवान बनना चाहता है या बनना चाहती है तो उसके लिए भी यह साधना अत्यधिक आवश्यक और अनुकूल है, परिणाम युक्त है। ये तीव्रता के साथ इस साधना को संपन्न करना चाहता है, किसी का पेट मोटा हो गया है या किसी के शरीर में कमजोरी है या किसी का चेहरा छोटा है या किसी की आंखें भेंगी है या किसी प्रकार की डिफेक्ट है, कमी है, तो इस साधना के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद उस यंत्र को गले में धारण कर लें और बाकी यंत्र नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें तो यह साधना संपन्न होती है और ये अपने आप में एक अद्वितीय साधना कही गई है।